चुनावी प्रचार जोरों पर है। 2014 के चुनाव में नेता मैदान में है तो अभिनेता भी। फिल्मी जनता को घनचक्कर बनाकर घुमाने वाले बाबू भाई इस बार खुद असली जनता के बीच फंस गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल से अहमदाबाद पूर्व की जनता पूछ रही है, तेरा क्या होगा रे बाबा। वैसे पद्मश्री परेश रावल तो मोदी लहर के भरोसे बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार कहते हैं कि सब हवा हवा हो जाएगी। क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं वही कांजी हूँ जिसे जीते जी आप लोगों ने भगवान बना दिया है। अब महान की मूर्ख है ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझा समझा के थक गया कि धर्म का धंधा मत करो, उसी को भगवान बना के अपने धंधा शुरू भी कर दिया। जनता का चस्का फिल्मों ने लगाया, लेकिन बीजेपी ने जनता के बीच ही उतार दिया। तो भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहेंगे? इसे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से नजदीकी का तोहफा कहे या संसद के लिए किस्मत का बुलावा। कई अभिनेताओं ने जीवन का एक दांव राजनीति में भी खेला है। 2014 में नेतागिरी की सीढ़ी चढ़ने वाले अभिनेता हैं अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परेश रावल। अभिनय में पक्के लेकिन राजनीति में अभी कच्चे परेश रावल न सिर्फ मोदी लहर के भरोसे 2014 की चुनावी महाजंग के मैदान में डटे हैं, बल्कि बीजेपी के दिग्गज 7 बार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिन पाठक का पत्ता साफ कर मैदान में उतरे हैं। हरिन पाठक का कसूर ये कि जब पूरी बीजेपी मोदी मोदी करने लगी थी, तब भी वो बीजेपी में मोदी लहर के शिकार हुए आडवाणी खेमे में ही अपना भरोसा जताते रहे थे। बहरहाल अहमदाबाद पूर्व संसदीय क्षेत्र की तस्वीर अब बदल गई है। जो बीजेपी कार्यकर्ता पहले हरिन पाठक जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, वो अब परेश रावल और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रतिद्वंदी है, विरोधी पार्टियों के प्रत्याशी है। विकास से भी अगर लोगों सोनिया जी ये कहती है कि भगवान बचा है, तो फिर उन्होंने जो विकास किया है वो दिखा दे। राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मैं की राजनीति। ये जो राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी साहब मैं का जो बैं कर रहे हैं, उसके बारे में हमको यही कहना है, उसके बारे में हमको सिर्फ यही बताना है कि मोदी साहब की फाइल कोई दूसरे नहीं देखते हैं। मनमोहन सिंह जी फाइल तो सोनिया जी भी देखती है, राहुल जी भी देखते हैं, वो सब जान चुके हैं, तो किताब भी आ गई है। मोदी साहब तो सबको साथ में लेके चलते हैं, ये वो खुद दोनों अलग चलते हैं, ये सब आ गया है सामने, कोई मैं वाली बात नहीं। चुनाव जनता के लिए सिर्फ वोट की ताकत दिखाने का ही मौका नहीं होता, बल्कि अनवरत मनोरंजन का भी मौका होता है। और जब अभिनेता मैदान में हो तो जनता तो फिल्मी चकल्लस की उम्मीद लगाती ही है। लेकिन बाबू भाई जैसे फिल्मों में अभिनय में डूब जाया करते हैं, वैसे ही अब जब चुनाव मैदान में उतरे हैं तो पूरी तरह नेता रंग में ही रंग गए हैं। आप क्या कहेंगे बाबू राव के अंदाज में, अगर जनता से वोट की अपील करनी है तो? नहीं, बाबू राव के अंदाज में पहले ही मैं कह चुका हूं कि आप देख रहे हैं फिल्म स्टार को, लेकिन सुन रहे हैं एक सुलझे हुए उम्मीदवार को, एक जिम्मेदार उम्मीदवार को। मैं यहां पे फिल्मी डायलॉग मारने नहीं आया हूं, बड़ी जिम्मेदारी के एहसास के साथ मैं यहां पे आया हूं, तो ये फिल्मी डायलॉग मैं यहां पे नहीं मारूंगा। अभिनेता से नेता बने परेश रावल की बात बात पर जनता मोदी जिंदाबाद के नारे लगाती है, तो बीजेपी उम्मीदवार भी मोदी के विकास के गान में जुट जाते हैं। कहते हैं अगर कांग्रेस ने कुछ विकास किया हो तो बताएं, वरना मोदी के विकास मॉडल को माने। कितने साल राज किया है यहाँ पे? 12 साल राज किया। मोदी साहब को 300 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके उनके डेवलपमेंट के लिए। खुद केंद्र सरकार ने उनको 60 या 65 अवार्ड दिए, ठीक है, तो हर साल उन्होंने 5-5 अवार्ड मोदी जी को दिए। जब खुद वो अवार्ड देके बैठे, फिर किस मुंह से बात करते कि मोदी जी ने विकास नहीं किया है? और अगर विकास नहीं किया तो आपके पास कौन सा मॉडल है वो लेके आइए ना। बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल के निशाने पर केंद्र की कांग्रेस सरकार है, तो परेश रावल के खिलाफ मैदान में दमखम दिखा रहे कांग्रेस के उम्मीदवार हिम्मत सिंह पटेल के निशाने पर है गुजरात की मोदी सरकार। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार हिम्मत सिंह पटेल घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रचार का पूरा बोझ इस बेजुबान की पीठ पर ही लाद दिया है, बल्कि ये तो विरोध का उनका तरीका है।
हिम्मत सिंह पटेल के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट गुजरात सरकार वसूलती है और इसीलिए उनका विरोध वाजिब है। यहाँ आप जो इस गुजरात की जनता के ऊपर जो आप वेट सबसे ज्यादा वसूल कर रहे हैं तो लोग भी काफ़ी इस चीज़ से दुखी हैं और परेशान हैं। तो हम जरूर ये मैसेज उनको देना चाहते हैं कि आप ये अपनी जिद पर ना अड़े और लोगों की जो सुख सुविधाएं है उसके लिए सोचें। कांग्रेस उम्मीदवार हिम्मत सिंह पटेल न सिर्फ गुजरात सरकार की नीतियों को कोसते हैं बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को बाहरी कहकर भी चोट करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, घर घर जाकर लोगों से अपील करते हैं और दावा यही कि वो स्थानीय हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल बाहरी। मेरी सेवा, मेरा नाता, मेरा रिश्ता वो एक अटूट है और मेरा जन्म भी यहाँ हुआ है और मेरा अंत भी यहाँ होगा। जबकि वो तो एक सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा इस विधानसभा में कितने मतदाता हैं, कितनी सीटें हैं, कौन कार्यकर्ता है, इस विस्तार के जनता की, प्रजा की क्या समस्याएं हैं, क्या मुश्किलें हैं। और वो आज भी इलेक्शन लड़ने आए हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, हर समाज हर वर्ग के बीच में वोट मांगने के लिए, आज भी वो लोगों के बीच में नहीं है। उम्मीदवारों के दावे अपनी जगह, अब तो जनता के फैसले की बारी है। 30 अप्रैल को गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के साथ अहमदाबाद पूर्व के भी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। गोपी मनियार घांगर, अहमदाबाद आज तक। एक बहुरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है तो दूसरी बहुरानी है पंजाब के भटिंडा में। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के लिए भटिंडा सीट नाक की लड़ाई है क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रही है उनकी बहू हरसिमरत कौर बादल। पंजाब का भटिंडा वीवीआईपी इलाका है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर अकाली दल के टिकट पर एक बार फिर संसद पहुंचने की दौड़ में शामिल हैं। वैसे तो भटिंडा में जीत को लेकर हरसिमरत को पक्का भरोसा है लेकिन प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लोगों से दिल्ली में मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए अकाली दल को वोट देने की गुहार लगा रही हैं। जहां इधर पंजाब में अपनी सरकार ने लोगों को यहां सहूलतें दी हैं, विकास के काम करके इनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करी है, जो दिल्ली सरकार ने हमारे साथ धक्का किया कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हमारे हक का पैसा नहीं मिलता था, अब पंजाब की जनता चाहती है कि यही अपनी सरकार दिल्ली में भी बने ताकि अपना हिस्सा, अपनी सुनवाई हो और हमारी तकलीफों की दूर किया जाए। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें अकालियों के विकास का मॉडल है। बादल गांव पंजाब के सबसे शक्तिशाली बादल कुनबे की धरोहर बताई जाती है। पंजाब के विकास की तस्वीर देखनी है तो इस गांव में जरूर आना पड़ेगा। हेलीपैड, हॉस्पिटल, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, अच्छी सड़कें, किसी भी चीज की कमी नहीं दिखती है। जो सुविधाएं देश के बड़े शहरों में नहीं दिखती वो भी यहाँ मौजूद है। हो भी क्यों ना, आखिर ये मुख्यमंत्री का गाँव है। भटिंडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा विकास की बात करें तो सिर्फ मुख्यमंत्री बादल के इलाके में ही हुआ है। ये सड़क जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भटिंडा से सीधे बादल गांव को जाती है और अब जो अकाली दल और भाजपा की कैंडिडेट हैं उनको वादे और दावे भी यही करने पड़ रहे हैं। दावा यह है कि ये सड़कें हमने बनवाई है और वादा ये है कि इसी तरह की सड़कें पूरे भटिंडा लोकसभा क्षेत्र में बनवा देंगे। भटिंडा में लड़ाई कुनबे की ही है। हरसिमरत को चचेरे देवर मनप्रीत सिंह बादल टक्कर दे रहे हैं। मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि पंजाब का सारा विकास सिर्फ बादल के गांव में दिखता है, बाकी प्रदेश के 12,000 गांव भगवान भरोसे हैं। अगर आप जो बादल में देख के आए हैं अगर उसको आप विकास मानते हैं तो परमात्मा इस विकास से पंजाब के लोगों को बचाए। वो विकास नहीं है, एक गांव में विकास होने से पंजाब का विकास नहीं होता। 12,000 पंजाब के गांव हैं और हमें दुख इस बात का है कि ये जो हमारी पंजाब की धरती माँ है, धरती माँ कमज़ोर और मकरूज़ हो चुकी है। यहाँ के बेटे बेटियाँ अनपढ़ रह गए, इस धरती माँ के बेटे बेटियाँ बेरोज़गार हैं, यहाँ इसको नशों ने घेर लिया, इसके सिर पर कर्जा चढ़ गया है, तो विकास पंजाब का नहीं हुआ। हरसिमरत कौर मनप्रीत को एहसान फरामोश बताती हैं, कहती हैं जो परिवार का ना हुआ वो लोगों का क्या होगा। भटिंडा की जन पुल नहीं तो वोट नहीं, ये आवाज उठ रही है बिहार के दरभंगा जिले में। 20 सालों तक एक गांव के लोग नदी पर पुल की मांग करते रहे
थक हार कर चंदा जोड़ा और खुद ही लकड़ी का पुल तैयार कर डाला। नतीजा ये हुआ कि अब इस गांव में राजनेताओं को प्रचार के लिए जाने में डर लगने लगा है। मताधिकार के सेतु पर ही टिका है हमारा लोकतंत्र, पर यह आवाम अपने सबसे बड़े अधिकार के इस्तेमाल से कर रही है इनकार। मतदान के बहिष्कार की आवाज उठ रही है बिहार के दरभंगा जिले में। कमलपुर गांव के इन लोगों ने सरकार और राजनेताओं से नदी पर एक पक्के पुल की मांग की थी, लेकिन बरसों बाद भी मांग अधूरी ही रही। फिलहाल कमला नदी पर बना ये जो लकड़ी का पुल आप देख रहे हैं, ये ग्रामीणों ने खुद 6 लाख के चंदे से बनाया है, इसलिए राजनेताओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पुल लंबा है, लिहाजा पार करने पर जोखिम भी ज्यादा है। वैसे तो लोकतंत्र का महापर्व जारी है, लेकिन गैरत वाला कोई भी राजनेता इस गांव में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आखिर जवाब क्या देगा? इस जगह पुल नहीं होने के कारण कितने लोग हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दिया है। अस्थायी चश्री पुल का निर्माण किए हैं चंदा के द्वारा, इसका उद्घाटन भी हम लोग गाँव के दलित बुजुर्गों के द्वारा किया। उस समय भी हम लोगों ने ऐलान कर दिया जब तक पुल नहीं बनेगा हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कमलपुर में विकास की बयार मानो छू कर नहीं गुजरी है। जो भी साफ सफाई दिख रही है वो ग्रामीणों के हौसले की ही देन है। चुनाव के दौरान हर पार्टी विकास का ढिंढोरा पीट रही है। एक पार्टी के विकास मॉडल का ढिंढोरा तो जग में पीटा जा रहा है। उसके नेता को लगा मुद्दा अच्छा है, लिहाजा ठिठाई दिखाई और बोल पड़े, मैं जा चुका हूँ उस गाँव। ये सारे मुद्दे बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं। 183 पुल के तो सैंक्शन हमने प्रधानमंत्री से करवा के भेजे हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार के पास पड़े हुए हैं जिन्होंने नहीं किया, उसमें वो भी एक पुल है। कोई डर नहीं सतारा, हम तो गए थे वहाँ पे लगभग महीना भर पहले उनके बहिष्कार के बाद, उन्होंने कहा था नहीं हम इस विषय को सोचेंगे। पर गाँव वालों को पता चला तो उन्होंने नेताजी के नहीं आने की कलाई खोल दी। तो अभी तक कोई हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आए हैं और ना ही कोई टच हो रही है, ना चुनाव आयोग का कोई ध्यान है। किसी भी MLA किसी भी MP का कोई भी विकास का काम इस गांव में आपको नजर आ जाए फिर आप हमसे सवाल कीजिए। हैरत इस बात की है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार है उसके नेता और लोकसभा उम्मीदवार संजय झा अभी आने वाले वक्त में कमलपुर जाने की बात कह रहे हैं। नहीं नहीं कोई डर नहीं सता रहा है। जितना पुल में काम हुआ है पिछले 8 साल में दरभंगा में, वो 60 साल में नहीं हुआ। इतना सारा जो पुल बना है हजारों करोड़ का, वो भी तो सामने में है, वो भी तो यही के लोग हैं। राज्य में सरकार है और सिर पर चुनाव है तो वादे और दावे दोनों बड़े करने होंगे, पर सच तस्वीरों में बयां है। जरा सोचिए, ग्रामीणों के 6 लाख के चंदे से यह पुल न बना होता तो आखिर बच्चे स्कूल कैसे जाते, रोजमर्रा के लिए गांव वाले गांव से बाहर कैसे निकलते। इन ग्रामीणों का गुस्सा जायज है, पर सवाल ये है कि क्या वोट का बहिष्कार कर इन्हें इनका हक हासिल होगा। प्रहलाद कुमार किलू, दरभंगा, आज तक।